हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीनस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लागू

तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी नींद इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू तो हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ अच्छा कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूज़ की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर बीस के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर बीस लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्चुलाइन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के गे। पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सैनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटोर एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के, के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ही आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हज़ार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेजेजे यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी हाँ दोस्तों दो होंग्वेज यूज़ करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मींस आप कैसे इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओ टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीनस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाने

तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मेन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू तो हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वाग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूज की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानक से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर बीज के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानक से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर बीज लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं तो उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्चुलाइज को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंचलाइंस राइटर दिखाई देंगे मीन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सैनेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ये आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हज़ार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेज के बारे में के इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो यूज की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी दोस्तों दो यूज करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा पॉइंट करोड़ इंडियन जी रुपीजिया दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को, को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीन आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आग आ उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीनस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को इजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँचे रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वाग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर like 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 लो लेते हैं रोट एंड टमाटर्स के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो रोट एंड टमाटर्स के यूजर्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक like किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानक से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्स को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मीन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सीनेमामेटोग्राफ़र इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी की सीनेमाटोगाफर दिखाई गई जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आटो आल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के, के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म है आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो 26 जून 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब 26 जून 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेजेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी दोस्तों दो लैंग्वेज यूज करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीन्स आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगार रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीस मूवी का चैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीनस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको यह भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लास्ट

फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट तो टू आवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कमीट होने वाली यह एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन एडनेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीज लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जान से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जान से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में जिस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्शन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के, 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 तो के, के, के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई गई जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आटो वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म है आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो 26 जून 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब 26 जून 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में किस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेजेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी दोस्तों दो लैंग्वेज यूज करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीन्स आप कैसे इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कम्पलीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को इजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हावर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली यह एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कटरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वाग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जान से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जानब से इस मूवी को, तो को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की, की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में जिस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्चुअल को राइड किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंचलाइंस राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में के इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ अनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोगाफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जुलिस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में के किस तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ही आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा uh, जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो 26 जून 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब 26 जून 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेस की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेजेस यूज की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी हाँ दोस्तों दो लैंग्वेजेस यूज़ करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को, को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीनस आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल लाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को इजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने मकसद यह है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचे रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वागनेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जान से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जानब से मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूज की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 57 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं तो उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ आ, हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में जिस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्चुलाइज को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंचलाइंस राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ अनेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूज़िक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्षश्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ तो में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ही आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हज़ार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेजेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी दोस्तों दो लैंग्वेजेज यूज करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि क् आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीनस आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओटीटी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली एन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लागू

तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ अच्छा कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में नील लत्न मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जान से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक तो लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्चुलाइन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंचलाइंस राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सैनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटोर एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के, के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को, को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ही आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हज़ार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेज यूज की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी हाँ दोस्तों दो लैंग्वेजेज यूज़ करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को, को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीनस आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को इजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने मकसद यह है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँचे रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क के बारे में तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मेन्द इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी की में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वाग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीज लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जान से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड के यूजर्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानक से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में जिस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्शन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइंस जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सैनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटोर एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जुलेश पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फ़िल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ये आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या कहीं मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो 26 जून 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब 26 जून 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंगवेज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेजेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी दोस्तों दो लैंग्वेज यूज करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीनस आप कैसे इस मूवी को इंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को enjoy कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में completely डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज किस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉमेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिल इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लास्ट

फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी थी इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू तो हावर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली यह ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वाग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जनब से मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोर्स के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोर्स के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूज़र्स की जानक से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसके लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं तो उनके बारे में भी इफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई दिखा देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्शन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइंस जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ अनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेटोग्राफर दिखाई गए इन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो आल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म है आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हज़ार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में किस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी दोस्तों दो लैंग्वेज यूज करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवन करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीनस आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कम्पलीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का

उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँचे रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क के बारे में तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू तो हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली यह एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वाग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जनब से मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटर्स के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटर्स के यूजर्स की जानक से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानक से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी की लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में किस के इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्शन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मीन एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जिलेष पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के, के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल है तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ही आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो 26 जून 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब 26 जून 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेज यूज की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी हाँ दोस्तों दो लैंग्वेजेज यूज़ करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीनस आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओटीटी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लास्ट

तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी नींद इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू तो हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली यह ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी स्टार के स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जान से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जानब से मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जान से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंटें तक लाइक किया गया यहाँ पर भी की लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं तो उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्चुलाइस को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंचलाइन राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं hmm. प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मीन्स एज अ सैनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूज़िक को संभाला तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फ़िल्म ही आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंडें नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हज़ार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेज यूज की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी हाँ दोस्तों दो लैंग्वेजेज यूज करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को, को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीन आप कैसे इस मूवी को इंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल लाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉमेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीनस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजीली इंजॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचे रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कमलीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ अच्छा कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वाग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीन्स लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जान से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जान से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसके लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की, की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की, की जनब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर अचे अचे भी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं तो उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्शु को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं So, सनेमाटोग्राफी के, के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ अनेमामेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्षियाम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के, के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ही आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हजार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेजेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी हाँ दोस्तों दो लैंग्वेजेज यूज़ करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीनस आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में completely डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीनस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँचे रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क के बारे में तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली यह एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वाग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूज़ की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को फफ़्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसके लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में जिस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्शन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंचलाइन राइटर दिखाई देंगे मीन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सैनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के, के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ही आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हज़ार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंगवेज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेज यूज की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी हाँ दोस्तों दो लैंग्वेजेज यूज़ करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीनस आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी

तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी कहीं इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कमलीट होने वाली यह एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी स्टाकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीज लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जनफ से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन एंड टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंटें तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में जिस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्शन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सीनेमामेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोगाफर दिखाई गई जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आटो आल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल है तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में के इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म है आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या की मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी तो सिक्स तो जून टू थाउंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हज़ार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेजेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी दोस्तों दो लैंग्वेज यूज करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवनिटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीस आप कैसे इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में completely डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगार रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को इजिली एन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी थी जिस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली यह एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन एडवार एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आईएमडीबी एम प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोर्ज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाज के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसके लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्शन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइंस जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको तो इस मूवी के सीनेटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो आल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्षियाम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने जाए। इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म है आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हज़ार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी दोस्तों दो लैंग्वेज यूज करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को, को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीन्स आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओटीटी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई हुई या फिर फ्लॉप मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँचे रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली यह एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वाग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जान से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की, यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी ज़बरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्चुलाइन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंचलाइन राइटर दिखाई देंगे मीन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी तो के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ अनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जुलिस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के, के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में के इस के किस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ही आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंडें नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हज़ार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंगवेज के बारे में किस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी हाँ दोस्तों दो लैंग्वेजेज यूज़ करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीनस आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओटीटी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेट वीडियो से आगा उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल लाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लास्ट

तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी नींद इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी इस स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में नील लत्न मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानक से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसके लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानक से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानक से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंटें तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसके लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं तो उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में जिस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्शन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंचलाइंस राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सीनेमामेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूज़िक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के, के, के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ही आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो 26 जून 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब 26 जून 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री तो की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेज की, की, दो की के, के अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेजेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी हाँ दोस्तों दो लैंग्वेजेज यूज करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीन आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीनस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको यह भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लागू

तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हावर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जान से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जान से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड के यूजर्स की जानब से इस मूवी को फफ़्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानक से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं तो उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्चुलाइज को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंचलाइन राइटर दिखाई देंगे मीन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में के इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सैनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जूलियस पक्षियाम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ही आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हजार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेज यूज की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी हाँ दोस्तों दो लैंग्वेज यूज़ करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीन्स आप कैसे इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर यह मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है या तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेट वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यू यॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीनस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को इजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँचे रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मेन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन वाग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोर्स के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानक से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसके लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की, की जानक से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवेंटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसके लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं तो उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में जिस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्शनलाइन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइंस जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर जितिया चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सीनेमाग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सीनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटोर एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पर्सन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जिलेस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म ये आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या की मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हज़ार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंगवेज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेजेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी दोस्तों दो लैंग्वेज यूज करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीनस आप कैसे इस मूवी को इंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में completely डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीनस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को इजिली एन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा आगे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन्जॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीज इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू तो हवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली यह एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में स्ट में कौन कौन सेना तो कैफ नवाजुद्दीन वाग्नेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जान से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जनब से मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटर्स के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटर्स के यूज़र्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानक से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनत से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं तो उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्शन को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो दिखा तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर तो भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला मींस एज अ सनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला था यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पसन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थ्य जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर ज्लेस पक्ष्याम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म्स ये आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस, इस मूवी को रिलीज किया गया तो ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब छब्बीस जून दो हजार नौ को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ दिखाई गई एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री तो तो की, दो की, की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लैंग्वेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी हम दोस्तों दो लैंग्वेजेज यूज़ करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीन्स आप कैसे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी न्यूयॉर्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है ये like किस तरह की मूवी बनाई गई मीस मूवी का चैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या क्या रही मीन अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड अगर लाइक किया तो इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आए एंड उसी के साथ साथ इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एट द एंड हम आपको यह भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हो बजट एंड बॉक्स ऑफिस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं तो आउट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाइन

फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट तो टू आवर्स एंड थर्टी थ्री मिनट्स की है मतलब दो घंटे और तैंतीस मिनट में कम्पलीट होने वाली एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ अच्छा कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में नील नितिन मुकेश इरफान खान कतरीना कैफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडन एडनेर एंड जॉन अब्राहम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि इस मूवी की रेटिंग्स क्या रही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी प्लेटफॉर्म की जनब से मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी के लाइक एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की, की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसके लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही इतनी जबरदस्त लाइक एवरेज लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर कबीर खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड फंक्चुलाइस को राइट किया तो पहले हम लोग मेन डायलॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संदीप श्रीवास्तव जी आपको इस मूवी के पंच लाइन्स राइटर दिखाई देंगे मेन जिन्होंने इस मूवी के मेन लाइन्स जो थी वो डायलॉग्स वो लिखे एंड अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी ही आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला मीज एज अ सीनेमाटोग्राफर तो इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाए गए जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर रामेश्वर एस भगत जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट कंपोजर के तौर पर कौन से पसन थे तो यहाँ पर पंकज अस्वास्थी जी आपको इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट कंपोजर दिखाई देंगे एंड बैकग्राउंड का जितना भी म्यूजिक था वो यहाँ पर जुलेश पक्षियाम जी ने अरेंज किया तो अभी हम लोग बात, तो लो बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल है तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग को किसने संभाला तो यहाँ पर यशराज फिल्म है आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो 26 जून 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब 26 जून 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेज़ के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया एंड लैंग्वेजेज की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के अंदर दो लंग्वेजेज यूज़ की गई एक हिंदी एंड दूसरी इंग्लिश जी दोस्तों दो लैंग्वेजेज यूज़ करके ये मूवी बनाई गई जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी थ्री करोड़ इंडियन रुपीज़ जी हाँ दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने गेन किया तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी मीन्स आप कैसे इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाता है उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है या तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेट वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़